एक और हिमालयन लगती तो बढ़िया बाइक अपनी। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड ओ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग अपनी हिमालयन 450 से। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक पे एक्सेसरीज लगवाने, जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। एक्चुअली जो आरी की एक्सेसरीज है इस बाइक की, वो मुझे कुछ ठीक लग रही है, कुछ मुझे ये था कि मैं एक बार जाना की देख लूँ, क्योंकि जाना का मेरा एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहा है। मैंने अपनी स्क्रैम्बलर पे, हाइनेस पे जाना की ही लगवाई थी एक्सेसरीज, और काफ़ी स्टर्डी होती है। इनफैक्ट हाइनेस जो है मेरी गिर भी गई थी लद्दाख में, और उसका लेग गार्ड ने मुझे बचा लिया, बाइक को बचा लिया, मुझे बचा लिया। तो मेरे माइंड में जाना की इमेज काफ़ी अच्छी है। प्लस जाना के अलावा एक और कंपनी है मोटर टॉर्क, जिसकी मैंने एक्सेसरीज देखी है, जो कि लगाई है विनय ने, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो मुझे कुछ एक्सेसरीज जो है वो जाना की अच्छी लग रही हैं, कुछ लग रही है मोटो टॉर्क की। तो अभी दिल्ली में कोई शॉप ऐसी है नहीं जहाँ पर दोनों की मिले एक्सेसरीज, मैंने चेक कर लिया, एटलीस्ट मुझे नहीं मिल रही है। अगर आपको कोई ऐसी शॉप मालूम है जहाँ पर जाना भी मिल रही है, मोटो टॉर्क मिल रहा है, एक आध ब्रांड और मिल रही है, तो बताना मुझे, मतलब मुझे नहीं मिल रही। तो मैंने बात की थी गुप्ता बाइकिंग, गुप्ता राइडिंग गियर्स, जो कि है गाज़ियाबाद में, इनके पास है, मोटो टॉर्क भी है, जाना भी है, और एक आध और भी है, और मैंने यहीं से लगवाई थी पहले एक्सेसरीज, तो अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और आज मैंने जाना था साउथ दिल्ली, और इनका एक नया शोरूम खुला है गुप्ता बाइकिंग का, जो कि है फरीदाबाद में। तो अभी मैं पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट फरीदाबाद, तो यहां लगवाते हैं अपनी बाइक पे एक्सेसरीज, एक बार में सारी लगवा देंगे एक्सेसरीज। मेरे माइंड में ये था कि लगवाऊँगा ना एक्सेसरीज तो एक बार में लगवाऊँगा सारी, और उसके बाद निकल जाएंगे टूरिंग के लिए। बहुत टाइम से मैं लंबे ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ, बट ना लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि लंबा टाइम मिल ही नहीं पा रहा टूरिंग के लिए। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में जो कि होपफुली हो जाएंगी इम्प्लीमेंट जल्दी ही, होपफुली ट्राई कर रहा हूँ, बाकी जैसे ही होंगे इम्प्लीमेंट आपसे शेयर करूँगा फॉर श्योर। हिमालयन चलाने का मज़ा जो है ओपन रोड में ही आता है, सिटी में नहीं आता, मतलब ये बात तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ। शॉर्टल पूरा अमेजिंग मैन, ऑलमोस्ट देयर। मैंने एक चेंज किया है, मैंने जो सीट हाइट है अपनी हिमालयन की वो कर ली है मैंने 845 की ऑप्शन है, तो 845 से मुझे बेटर लग रहा है। मेरी हाइट जो है 5'9" प्लस है, और 5'10" से हल्की सी कम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरे टिपटो हो रहे हैं दोनों पाँव, लेकिन आई एम कम्फर्टेबल। और जो राइडिंग ट्राइंगल है, मतलब मेरी नीज जो है अब कम बेंड हो रही है, तो मुझे ये कि कम्फर्ट मिल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ ना। और अगर आपकी हाइट 5'9" एंड प्लस है, तो आई थिंक आपकी हाइट अगर 5'7" प्लस भी है, तो आपको जो सीट हाइट है इसकी 845 कर लेनी चाहिए, उससे बेटर आपको राइडिंग ट्राइंगल मिलता है, आपको नीज जो है कम बेंड होती है। और यहीं पर दिखा रहा है लोकेशन, तो अच्छी खासी मार्केट है भैया, ये दिखा रहा है यहाँ से कहीं है। गुप्ता बाइकिंग का नाम चेंज हो गया है, ये हो गया है बाइकर्स सुपर मार्ट, अच्छा नाम है यार, और यहाँ स्पेस काफ़ी है, ये चीज़ अच्छी है। तो ये है बाइकर्स सुपर मार्ट फरीदाबाद और गाज़ियाबाद, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी हुई है, जो लोकेशन है मैं डाल दूंगा इन केस यू वांट। अपनी बाइक लग चुकी है अंदर, और अपनी बाइक पे फाइनली जो है काम स्टार्ट हो चुका है। बाइक पे ना कुछ भी लगाओ ना, कुछ भी काम करवाओ ना, उसकी ना उसकी एक्साइटमेंट, उसकी फीलिंग अलग ही होती है। तो आपको दिखाता हूँ, अपनी बाइक अंदर है, दिखाता हूँ उसमें क्या क्या काम हो रहा है। और ये हैं उत्कर्ष भाई, पहली बार तो मुबारक हो उत्कर्ष भाई फॉर न्यू शॉप, पहले आते थे गाज़ियाबाद, आज आ गए फरीदाबाद में। और ये है अपनी बाइक, काफी कुछ रख लिया आपने, हेलमेट, LS2, वही सारे ब्रांड्स जो जितने आते हैं सब कुछ मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखो जैकेट्स भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। ओके ओके, सोलेस, गार्डन गियर्स, अच्छा, मतलब जितनी रेंज वहाँ पर थी गाज़ियाबाद में उतनी है यहाँ पर, उतनी ही है, अभी धीरे धीरे और एड ऑन हो जाएगी। हाँ हाँ, ये सारे ग्लव्स इधर है, वाइट एरर के आपको राइडर, रॉयल एनफील्ड, ओके, फिर ये छोटी छोटी चीजें हैं, टायर इन्फ्लेटर्स हो गए, हॉर्न हो गया, सब कुछ ही है,
ओके विंटर लाइनर, ये सारे आपके बाइक के। क्या मुझे ये लेना है, पुरानी का लेना है या फिर उसका लेना है, कौन सा लिया जाए, पुरानी का बेटर रहता है या फिर? हाँ, अगर 7-8,000 की बजट है तो पुरानी बहुत अच्छा ऑप्शन है। पुरानी और सेना में क्या डिफरेंस क्या है? पुरानी में पुरानी टू पुरानी कनेक्ट है। अच्छा, सेना में मेस टेक्नोलॉजी भी है मोस्टली, जो सेना के डिवाइसेज आते हैं। ओके, ब्रांड वैल्यू का डिफरेंस है, वारंटी का डिफरेंस है। इसमें पहले 2 साल थी, अब 1 साल हो गया, बट प्राइस इन्होंने कम कर दी है। ओके, जो सेना में 2 या 3 साल वारंटी है हर प्रोडक्ट की। ओके, और आईपी रेटिंग, वॉइस क्वालिटी और रेंज, रेंज में भी डिफरेंस है। जैसे ये लगभग आपका 600-700 मीटर तक अच्छा काम करता है। अच्छा, सेना की डिवाइस 1 किलोमीटर या उससे ऊपर चलेगा। तो लो जी, फाइनली खर्चा स्टार्ट हो गया अपनी बाइक में। पहला खर्चा ये टॉप प्लेट जो कि है मोटो टॉर्क की, नीचे वाली प्राइस बताऊंगा बाद में। ऊपर ये प्लेट जो है, ये है पार्ट ऑफ बॉक्स, और बॉक्स ये लगा रहा हूँ, मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी जाना का। उसके बाद में क्या लगेगा, जो जो लगता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये है मोटो टॉर्क का क्रैश गार्ड, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी जो फिटेड फिनिश है कंपेयर टू जाना, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर लग रही है। इसमें भी साथ में स्लाइडर्स हैं, दिखाऊँगा आपको मैं। और उसके बाद में लगेंगे ये सेडल स्टे, नीचे दबे हुए हैं ये फिलहाल, ये रहे। स्टोर तो बढ़िया है ये, इसका ना सबसे अच्छा मुझे लगा नाम बाइकर सुपरमार्ट। एक है राइडर प्लेनेट, एक है राइडर जंक्शन, और ये सुपरमार्ट है सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो जी, प्लेट लग गई है अपनी, और अपना बॉक्स जो है फिट हो रहा है। ओहो, अभी तो फिट हो रहा है, अब आ रही है लुक पूरी। मतलब जिस साइज की बाइक है उसके अकॉर्डिंग में बॉक्स जो है बहुत बड़ा लग नहीं रहा है, 45 लीटर का है। जबकि अगर ऐसे देखोगे ना उसको स्टैंड अलोन तो लगता है कि बड़ा बॉक्स है, लेकिन बाइक के ऊपर जो है ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो ये है अपनी इंजन बैश प्लेट फ्रॉम मोटो टॉर्क, ये लिखा हुआ है, इसको लगवाएंगे। और ये जो बाय डिफॉल्ट लगी हुई है ना फाइबर की, ये वाली प्लेट, ये निकल जाएगी। अच्छी है इसकी फिट एंड फिनिश, काफ़ी अच्छी है, और बहुत लाइट भी नहीं है और बहुत हैवी भी नहीं है, क्योंकि बहुत अगर हैवी होगी तो काफ़ी ये वेट ऐड करेगी बाइक में। तो काफ़ी स्टर्डी है, अच्छी है इसकी क्वालिटी ना। ऊपर ये जो कोटेड है, इसमें पाउडर कोटेड है, ब्लैक कलर की है, तो अपनी बाइक की लुक जो है ब्लैक कलर की है। मैं जो भी इसमें लगवा रहा हूँ एक्सेसरीज, सब वो ब्लैक है, चाहे वो टॉप बॉक्स है वो ब्लैक है, बैश प्लेट ब्लैक है, आपका जो ये क्रैश गार्ड है वो भी ब्लैक है जो लग रहे हैं ये वाले मोटो टॉर्क के, और जो प्लेट लगी है पीछे इसके नीचे टॉप रैक की प्लेट, ये भी ब्लैक है। बाइक के लुक से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये अपना टॉप रैक लग गया है यहाँ पर, टॉप प्लेट, टॉप बॉक्स आ गया अपना जाना का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड एक अपनी इंजन बैश प्लेट ये भी लग गई है। 2-3 चीज़ें रह गई हैं, एक तो इसका क्रैश गार्ड रह गया है, एक इसका हैंडल बार राइजर्स रह गए हैं, और एक का चीज़ और रह गई है। सो फाइनली मैं आ गया हूँ गुप्ता बाइकिंग गाज़ियाबाद में। कल एक्चुअली अपना आधा काम हुआ, आधा काम रह गया था, और मुझे कुछ अर्जेंट काम पड़ गया, मुझे निकलना पड़ गया। अभी भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का काम और है, तो कल काम हो नहीं पाया। अभी अपना काम करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हो रहा है अपनी बाइक में, और उसके बाद में समराइज करूँगा कि क्या क्या लगवाया है, क्या प्राइस है, और मैंने क्यों लगवाया है, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कौन सी उसी कंपनी की एक्सेसरीज लगवाने की ऑप्शंस हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो लो जी, एक बहुत ही यूजलेस सी चीज़ साड़ी गार्ड निकाल दिया मैंने, मतलब निकल रहा है अभी, कोई यूज़ नहीं है इसका अपने लिए। एडवेंचर टूरिंग बाइक पे तो साड़ी गार्ड का कोई मतलब बनता नहीं है, बट ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म से लगाना पड़ता है। तो लो जी, फाइनली लग गई है अपनी बाइक में एक्सेसरीज, मोटो टॉर्क का क्रैश गार्ड और मोटो टॉर्क का ही सेडल स्टे, जाना का टॉप बॉक्स, नीचे जो प्लेट है टॉप प्लेट है वो है मोटो टॉर्क की, एंड एक मोटो टॉर्क का क्रैश गार्ड इंजन बैच प्लेट, सॉरी, एंड मोटो टॉर्क की इंजन बैच प्लेट। तो यहाँ से निकलते हैं और आपसे पूरी डिटेल जो है शेयर करता हूँ मैं। ये देखो, एक नई वी स्ट्रोम 250 भी रेडी हो गई है, इसमें भी मोटो टॉर्क ही है पूरा। तो ये रही अपनी ऑल न्यू हिमालयन 450। अब इस बाइक के लिए मल्टीपल ब्रांड्स की या फिर आरी की मल्टीपल एक्सेसरीज आ रही है मार्केट में, बट फिलहाल मैंने इस बाइक में वही लगाई है एक्सेसरीज जो कि टूरिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज फॉर हिमालयन 450 फॉर टूरिंग। तो पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी फॉर टूरिंग, वो है क्रैश गार्ड। ये है मोटो टॉर्क का क्रैश गार्ड, और यू कैन से लेग गार्ड, इसमें स्लाइडर्स हैं साथ में। मैंने इसके अलावा, मोटो टॉर्क के अलावा, एक जाना का देखा था मैंने पास्ट में, जाना का जो है क्रैश गार्ड यूज़ किया हुआ है अपनी CB350 में और अपनी स्क्रैम्बलर में। अभी फिलहाल जो है जाना का क्रैश गार्ड है,
इस बार फॉर ए चेंज मैंने मोटो टॉर्क लगाया है। रीज़न बीइंग कि मुझे इस बार इस मोटो टॉर्क की जो क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, वो थोड़ी बेटर लगी। जो स्ट्रेंथ वाइज बात करें, स्ट्रेंथ जो ज़ाना का है उसकी भी काफ़ी अच्छी है। इसकी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिट एंड फिनिश अच्छी लगी। प्लस ये जो स्लाइडर्स हैं इसके, ये काफ़ी मुझे मतलब अच्छी क्वालिटी के लगे एंड बेटर लगे कम्पेयर टू ज़ाना। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर टाइट हुआ है फ्रेम में बाइक के, एक ये पीछे यहाँ टाइट हुआ है। उसके अलावा सपोर्ट के लिए ये इसमें आगे एक रॉड जा रही है, एक ये पार्ट है, देन आगे ये सपोर्ट के लिए रॉड है नीचे से, यू कैन सी, जो कि दोनों पार्ट को, दोनों तरफ के क्रैश गार्ड को कवर करती है। एंड एक और इसमें सपोर्ट है, ये नीचे से यहाँ से आ रही है सपोर्ट। तो इन केस ऑफ इम्पैक्ट अगर ये बाइक गिरती है तो ये क्रैश गार्ड आपकी बाइक पे इम्पैक्ट नहीं आने देगा। ऑफकोर्स आपके लेग को भी कुछ हद तक जो है ये क्रैश गार्ड सेव करने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ज़ाना से बेटर लगा। तो अगर आप चाहो तो ज़ाना भी लगा सकते हो, ज़ाना की भी क्वालिटी अच्छी है काफ़ी। इसका प्राइस है 5,600 रुपीज़। ज़ाना का जो प्राइस है वो है 4,300 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 1,300 रुपये प्राइस ज़्यादा है इसका, बट क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इस बाइक के लिए इंजन बैश प्लेट, ये भी मोटो टॉर्क का है। रॉयल एनफील्ड की मुझे एक चीज़ बहुत ही बेकार लगी कि ये एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है और मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक में बाय डिफ़ॉल्ट मेटल का आपको बैश प्लेट जो है, इंजन बैश प्लेट मिलनी चाहिए थी। अपनी जो स्क्रैम्बलर है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको एलुमिनियम की बैश प्लेट मिलती है। तो ये छोटी सी चीज़ है, अगर आप एडवेंचर टूरिंग एज ए बाइक को लॉन्च कर रहे हो तो बेसिक चीज़ें जो उस बाइक में रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एनीवेज, तो ये है मोटो टॉर्क की इंजन बैश प्लेट। एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है कंपनी से, उसमें ये जो पार्ट है आपका एग्जॉस्ट के नीचे, ये तो आपका है एलुमिनियम का, बाकी इधर जो है वो फाइबर का है। एंड फाइबर का भी अच्छा होता है काफ़ी। अब मैंने अपनी स्पीड 400 पे लद्दाख ट्रिप किया था एंड उस बाइक में भी बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी फिट आता है इंजन बैश प्लेट वो आती है फाइबर की, बट उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इसमें जो हिमालयन में आ रही है इंजन बैश प्लेट फाइबर की बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी कि मैं बुराई कर रहा हूँ इस बाइक की कुछ चीज़ों के बारे में, बट ठीक है, आई हैव टू शेयर ऑनेस्ट ओपिनियन। तो इसकी जो फाइबर की प्लेट है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जो लोग इस बाइक को लेंगे फॉर श्योर इस बाइक पे वो ट्रिप करेंगे, एडवेंचर ट्रिप करेंगे, लद्दाख करेंगे, स्पीति करेंगे, नॉर्थ ईस्ट करेंगे, नेपाल करेंगे। तो इंजन की सेफ्टी के लिए आपको एक अच्छी इंजन बैश प्लेट रिक्वायर्ड है। अगर फाइबर की है तो चल जाती है अच्छी क्वालिटी की, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। एंड इसमें दो कलर आते हैं, ये आपका है ब्लैक कलर की, एक आती है एलुमिनियम फिनिश में, एलुमिनियम की आती है। इसका प्राइस है 2,500 रुपीज़। अगर आप चाहते हो तो आप एलुमिनियम के लगवा सकते हो, उसका प्राइस है 3,000 रुपीज़। अब ये इंजन बैश प्लेट या फिर सम गार्ड कुछ भी बोल सकते हो उसको आप, प्लस ये जो लेग गार्ड है, क्रैश गार्ड है, इन दोनों को मिला के एक रैली गार्ड के नाम से कुछ आता है आरी का, जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज़। बट पर्सनली मुझे ये जो चीज़ है ज़्यादा अच्छी लगी, रीज़न बीइंग इस क्रैश गार्ड में स्लाइडर्स हैं। एंड स्लाइडर्स मैंने पहले भी शेयर किया है कि स्लाइडर्स इन केस ऑफ फॉल बहुत यूज़फुल रहते हैं। मेरी बाइक लद्दाख में गिरी थी CB350 और उस बाइक में स्लाइडर्स थे, उसकी वजह से मेरी बाइक का टैंक, मेरे लेग पे जो है कोई इंजरी नहीं हुई। सम गार्ड और बैश प्लेट प्लस आपका क्रैश गार्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू डू टूरिंग ऑन दिस बाइक। एंड ऑफकोर्स 99% जो लोग हैं इस बाइक को टूरिंग के लिए लेने वाले हैं, तो ये दोनों आपकी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस कंपनी के लगाओ, चाहे आप ज़ाना के लगाओ, चाहे किसी और कंपनी के लगाओ, चाहे आप रॉयल एनफील्ड के लगाओ, लगवाना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपको टूरिंग के लिए इस बाइक में करवाना पड़ेगा वो है सैडल स्टेज। अगर आपको टूरिंग करनी है, आपको लगेज कैरी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सैडल बैग के लिए सैडल स्टे लगवाने पड़ेंगे। अगर आप पैनियर्स लगवा रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ मोस्टली लोग मेरे अकॉर्डिंग सैडल स्टे यूज़ करते हैं, वो काफ़ी लाइट रहते हैं। तो उसके लिए मैंने लगाया है इसमें मोटो टॉर्क के सैडल स्टेज। अब इसमें भी जो है ज़ाना के आते हैं, इस बार मैंने ज़ाना के नहीं लगाए। मुझे पर्सनली फील हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा मे बी किसी और व्लॉग में, मेरे साथ में जो और भाई लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ज़ाना के लगवाए हैं सैडल स्टे, कुछ ने जो है मोटो टॉर्क के लगवाए हैं। अब डिफरेंस क्या है ज़ाना में और मोटो टॉर्क में, सैडल स्टे में? जो मोटो टॉर्क है आप देख रहे हो, इसका जो फ्रेम है ये हल्का सा बाहर निकला हुआ है बाइक से, ज़ाना का थोड़ा सा ज़्यादा बाहर है, तो उससे बाइक की विड्थ जो है थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो मुझे ये चीज़ इसमें बेटर लगी कि ऑफकोर्स आप बैग लगाओगे तो बाइक की विड्थ कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी, और आप जब टूरिंग करते हो आप नैरो
रास्ते से निकल रहे हैं, आपको ट्रैफिक पे निकल रहे हैं, तो कितनी विड्थ आपकी बाइक की है उस पर डिपेंड करता है कि आप बाइक को कितनी ईजी ऐसे ऐसे रास्तों से ऐसी जगह से आप निकाल पाते हो। तो इसकी विड्थ कम है एंड जो जाना का सडल स्टे है उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, आई थिंक इतनी है। सेकेंडली जो ये मोटोटॉर का आपका सडल स्टे है इसमें ये जो विड्थ है ये थोड़ी ज़्यादा है और जाना में ये थोड़ी कम है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा अगर बड़ा बैग है, जैसे मेरा ब्रॉड बैग है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं अपना पूरा टूरी सेटअप जो है आपसे शेयर करूंगा उसमें दिखाऊंगा आपको मैं, इसमें जो है थोड़ा ब्रॉड बैग जो है आ पाएगा। जाना की ये जो विड्थ है ये वाली, आप लेंथ बोल लो या फिर हाइट बोल लो, ये हाइट जो है उसकी हल्की सी कम है। तो मुझे मोटोटॉर के ये सेडल स्टे जो है प्रैक्टिकल लगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे कंपेयर टू जाना। फिट एंड फिनिश इसकी और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम है। एंड एक और चीज़, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। मेरे क्या लॉजिक है, मेरे क्या रीज़न है, मैं आपसे जस्ट वो शेयर कर रहा हूँ एज ए राइडर। और इसमें ये आप देखोगे तो इस सडल स्टे में नीचे सपोर्ट आई है, ये सपोर्ट जो है आपके अगर बैग आप रखते हो टूरिंग करते हो आपके सडल बैग यहाँ आपके टाई हो जाएंगे, ऊपर से टाई हो जाएंगे। लेकिन जब आप टूरिंग कर रहे होते हो और आपके बैग आपके सडल बैग जो है लगे होते हैं तो वो ना चलते चलते बाइक चलते चलते ना जो वाइब्रेशन से हल्के से लूज़ हो जाते हैं, तो करते करते आपके बैग ना हल्के से नीचे आ जाते हैं, फिर आपको रुक के बीच में टाइट करना पड़ता है कई बार। तो उसके लिए ये सपोर्ट है नीचे जो कि काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो इन केस, ये देखो यहाँ नट्स है एक और यहाँ दो नट है, तो आप दोनों एंड की जो सपोर्ट है ये निकाल सकते हो इन केस आपके बड़े बैग हैं। प्लस इसमें जो है आप फ्यूल कैरी करने के लिए जो साथ में कैन आते हैं जेरी कैन, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो इन केस रिक्वायर्ड। तो आपको जैसे ये ओपन करना है एंड यू आर गुड टू गो। काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी यूज़फुल है, अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी स्टर्डी हैं। एक दो और तीन यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, प्रॉपरली ये अटैच रखे हैं, प्लस पीछे का ये सपोर्ट है, तो ये कहीं हिलने वाले नहीं है। आप जितना मर्जी लोडेड जो आपके सडल बैग है इस पर लगा सकते हो। सो नेक्स्ट एक्सेसरी है, एक्सेसरी नंबर 4 इस बाइक में जो आपको दिखा चुका हूँ वो है टॉप प्लेट। अगर आपको इस बाइक पे जो ये टॉप रैक है इसके ऊपर कोई भी आपको कुछ भी माउंट करना है, कुछ भी टॉप बॉक्स माउंट करना है, तो उसके लिए आपको टॉप प्लेट लगवानी पड़ेगी। कंपनी से मिल जाएगी आपको टॉप प्लेट जिसका प्राइस आई थिंक क्लोज टू 1800 रुपीज़ है। मैंने लगाई है मोटोटॉर की, इसका प्राइस है 1500 रुपीज़। काफ़ी ब्रॉड है ये एंड आपको कुछ भी छोटा मोटा, छोटा या बड़ा कोई भी टॉप बॉक्स लगाना है तो उसके लिए आपको टॉप प्लेट लगानी पड़ेगी। आप चाहो तो जाना के लगा सकते हो, चाहो तो मोटोटॉर के लगा सकते हो, चाहो तो कंपनी के लगा सकते हो, सबकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बाइक टूरिंग, वो है टॉप बॉक्स। मेरे अकॉर्डिंग टॉप बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप बाइक पे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करने वाले हो। उसका रीज़न ये है कि यार बाइक पर आप टूरिंग करते हो, आप सोलो टूरिंग कर रहे हो या आप ग्रुप में टूरिंग कर रहे हो, तो आपके पास ना कुछ ऐसा लॉक एंड की वाला आपको लगेज कैरी करना चाहिए जिसमें आप अपने एसेंशियल्स, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कैमराज हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप लॉक एंड की में रख सको। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको ब्रेक लेना है, कुछ खाना वाना खाना है, तो आपको एसेंशियल जो है नॉर्मली जैसे मैं करता हूँ पहले आपका जो टैंक बैग है उसमें कैरी करता हूँ या बैकपैक में कैरी करता हूँ, उसको साथ में कैरी करना पड़ता है। आपके पास टॉप बॉक्स है, लॉक एंड की है, अपने सामान रखा है उसमें, लैपटॉप रखा हुआ है, लॉक किया अपना, आराम से बिंदास हो गया, अपना गए, अपना खाना वाना खाया, जो ब्रेक लेना ब्रेक लिया, तो टॉप बॉक्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। अब टॉप बॉक्स जो है मेरे पास कैमरा में लगा हुआ है जीवी का जो कि फाइबर का है, इस बार मैंने लगवाया है एलुमिनियम का और ये है अच्छी क्वालिटी का, भी जाना का है ये। इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर। इसका प्राइस सुन के आप हैरान हो जाओगे। इसकी फिट एंड फिनिश अगर आप देख रहे हो, अगर वीडियो में जितनी दिख पा रही है आपको, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़। अगर आप ये टॉप बॉक्स लेते हो रॉयल एनफील्ड का जो कि हिमालयन के लिए है, उसका प्राइस है 23,000 रुपीज़ और उसकी कैपेसिटी है 42 लीटर, तो कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड मैंने वो टॉप बॉक्स देखा हुआ है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉप बॉक्स की क्वालिटी कंपेयर टू आ रही एट पा रही है, मतलब उतनी ही है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये अच्छा है या वो अच्छा है ये गलत होगा, दोनों की क्वालिटी एट पार है। तो मेरे अकॉर्डिंग 13,000 रुपये बच रहे हैं मेरे इसमें, तो मैंने जाना में इन्वेस्ट किया। ऑल दो आई फील कि ये एक यूनिवर्सल टॉप बॉक्स है, काफ़ी और कंपनीज़ के भी आ रहे हैं, जाना ने आई थिंक ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं किया जहाँ तक मुझे लग रहा है, उन्होंने फैब्रिकेट करवाया है, अपनी इसमें मार्किंग की है, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इसका जो लॉक एंड की वाला मैकेनिज्म है वो काफ़ी स्टर्डी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सेकेंडली इसमें ये जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है एंड अभी मैं ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। इसको अपने अनलॉक किया,
प्रेस किया, पुल किया और ये ओपन हो गया। अंदर देखोगे तो अच्छी लाइक क्या बोलोगे आप, कपड़ा लगा हुआ है अच्छी क्वालिटी का। ये जेपर है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। इसमें ये आपकी रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स हैं जो कि मैं यहाँ लगाऊंगा अभी, और अपने टॉप बॉक्स में बढ़िया अपनी यहाँ जो है चैनल की आप ब्रांडिंग करेंगे, ट्रेवल एंड बाइट, यहाँ भी ट्रेवल एंड बाइट करवाऊँगा बाद में उसको। तो एनी वे ये जेपर हो गया। एंड अगर अंदर देखोगे तो अंदर भी ये जो है एक फैब्रिक है, काफ़ी मोटी है एंड काइंड ऑफ स्पॉन्जी सी फैब्रिक है। तो इन केस अपना कुछ आप रखते हो या कैमरा रखते हो या सामान रखते हो तो प्रॉपर जो है कुशन मिलने वाला है सामान को। अभी मैं निकाल नहीं सकता अपना पूरा सामान क्योंकि पूरा फैला हुआ है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो अब टॉप बॉक्स के अलावा आपको बाइक पे टूरिंग करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है, आपको 10 से 15 दिन का टूरिंग ट्रिप करना है, तो उसके लिए आपको साथ में टेल बैग और सैडल बैग और पैनियर्स यूज़ करने पड़ेंगे। पैनियर्स की कॉस्ट जो कि आरई प्रोवाइड कर रहा है वो है 33,000 रुपीज़। उनका बेनिफिट है कि अफकोर्स वो लॉक एंड की होते हैं, उनका बेनिफिट ये है। एंड अगर आप इसमें सैडल बैग यूज़ करते हो तो आपको अच्छे सैडल बैग राइनेक्स के हो गए या फिर वाइटारा के हो गए या किसी और ब्रांड के हो गए, वो आपको 5,000-5,500 की रेंज में आ जाएंगे। तो मैं इस पे जो है सैडल बैग यूज़ करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से मैंने 28,000 रुपीज़ बजा ली हैं इसमें अपने लगेज सिस्टम में, प्लस 30,000 रुपीज़ जो है मैंने इस बॉक्स में बचा ली हैं, तो क्लोज़ टू 41,000 रुपीज़ की मैंने सेविंग कर ली है इसमें। प्लस अगर मैं इसमें लगवाता रैली किट का जो गार्ड है इसमें, सब गार्ड प्लस क्रैश गार्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो 10,000 रुपीज़ का है। मुझे ये दोनों क्रैश गार्ड और सब गार्ड जो है ये पड़ा है 8,000 रुपीज़ का, तो 2,000 रुपये मैंने यहाँ बचा लिया। तो आई हैव सेव्ड 43,000 रुपीज़ इन दिस। एंड अगर हम सेफ्टी की बात करें तो एक और एसेसरी है जो कि मैंने लगाई नहीं, वो है इसकी रेडिएटर की ग्रिल। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें आ रही है फाइबर की ग्रिल, ये काफ़ी स्टर्डी है और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर कोई छोटा मोटा पत्थर लगता है तो ये सफिशियंट है उसको, मतलब उसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए। एंड मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा आके पत्थर जो है लगने वाला है, तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई मेटल की, कोई एलुमिनियम की रेडिएटर ग्रिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो होगी इस बाइक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 एसेसरीज जो कि आपको इस बाइक पर टूरिंग के लिए फॉर श्योर मेरे अकॉर्डिंग आपको लगानी चाहिए। बाकी लगाने को इस बाइक में आप काफ़ी चीज़ें और भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बाइक में एक टूरिंग व्हीलशील्ड जो है लगाने वाला हूँ। अभी मेरे आसपास जो सर्विस सेंटर है, ये जो डीलर है, उनके पास अवेलेबल नहीं है, बट दैट इज़ नॉट क्रिटिकल और क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली नकल गार्ड भी इस बाइक के जो है अभी आए नहीं है, रॉयल एनफील्ड के आए नहीं है, किसी और लोकल ब्रांड के मैं लगाना चाह नहीं रहा हूँ। और जो पुरानी हिमालयन 411 है उसके भी प्रॉपरली फिट इसमें आते नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, मे बी अभी एकाध वीक में जो है आने वाले हैं आ जाएंगे तो मैं लगाऊंगा। तो आप बोल सकते हो कि दो चीज़ें और जो है इस बाइक पे मैं लगाऊंगा फॉर नाउ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चारों एसेसरीज रिक्वायर्ड हैं अगर आप इस बाइक पे हिमालयन 450 पे टूरिंग करने का प्लान कर रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोटो टॉर्क लगाओ या फिर जाना लगाओ या फिर कार्बन रेसिंग लगाओ, ये 3-4 जो ब्रांड्स हैं इनकी एसेसरीज जो हैं अच्छी क्वालिटी की हैं काफ़ी। एंड रॉयल एनफील्ड की ऑफकोर्स जो कंपनी की एसेसरीज हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, आप कोई भी लगा सकते हो उनमें से। एंड रॉयल एनफील्ड की जो है वो ऑफकोर्स आपको शोरूम से मिल जाएंगी, आपके सर्विस सेंटर से मिल जाएंगी। जाना की अगर आप दिल्ली NCR में हो तो जाना का स्टोर है करोल बाग में। अगर आपको लगानी है मोटो टॉर्क की या फिर कार्बन रेसिंग की, तो इसके लिए जो मुझे शॉप्स पता है जहाँ जो आपको मिलेंगी दिल्ली NCR में, तो ये गुप्ता बाइकिंग के दो स्टोर हो गए, एक तो गाज़ियाबाद में है, एक आपका फरीदाबाद में है। बाकी इनके अलावा मोटो टॉर्क और कार्बन रेसिंग आपको कहाँ मिलेगा दिल्ली NCR में, मुझे उसका आइडिया नहीं है। आप चाहो तो ऑनलाइन इन कंपनी से मंगा सकते हो एंड आपका जो लोकल मैकेनिक है आसपास करके वो फिट कर देगा, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। और एक और सजेशन है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत करो। अगर आपके आसपास स्टोर है जहाँ पर आपको मल्टीपल ब्रांड्स की हिमालयन के लिए एसेसरीज मिल जाएंगी देखने को, तो खुद जाओ देखो उनकी क्वालिटी फील करो और उसके अकॉर्डिंग लगाओ। मे बी मेरे अकॉर्डिंग मोटो टॉर्क अच्छा हो, आपके अकॉर्डिंग जाना अच्छा हो, या फिर जो रॉयल एनफील्ड की एसेसरीज हैं वो अच्छी हों, बट एज़ पर मी ये तो 3-4-5 ब्रांड है, इनकी क्वालिटी सबकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक इसमें आ रही है बाइक में टूरिंग सीट्स जो कि 10,000 रुपये की हैं, 10,000 रुपीज़ की। अभी तक मुझे इस बाइक की सीट में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने दिल्ली टू मनाली किया है नॉन स्टॉप 40 किलोमीटर्स इन वन डे, उसमें मुझे कोई इशू नहीं आया, मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ कोई फटीग हो रही है और मेरे बम पेन हो रहे हैं, ऐसा कुछ लगा नहीं है। फ्यूचर में अगर इससे लंबी लंबी राइड्स होंगी तो मे बी दिक्कत आए तो तब का तब सोचेंगे, बट अदरवाइज़ अगर आपको दिन में 10-12 घंटे बाइक पर टूरिंग करनी है, मेरे अकॉर्डिंग इन सीट्स का जो कंफर्ट है वो डिसेंट है।
बाकी टूरिस्ट सीट लगवानी है तो ऑफकोर्स लगवा सकते हो, उनका कंफर्ट आपको बेटर ही मिलेगा, नो डाउट। एक चीज़ मैं वहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गया एंड आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर एंडिंग द वीडियो, वो ये कि इंडिविजुअल कॉस्ट मैंने बता दी आपको 5 एसेसरीज की और एक टॉप बॉक्स की, टोटल इज 23,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, आप ऐड कर लेना। एंड यहाँ पर जो मैंने लेबर चार्जेस पे करे हैं इनकी इंस्टॉलेशन के लिए, इन एसेसरीज की इंस्टॉलेशन के लिए, दैट इज़ 400 रुपीज़, दैट्स ऑल। नॉर्मली आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, सर्विस चार्ज जो है ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट मुझे इन एसेसरीज को लगाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा। मैंने जब अपनी मैड डॉग की लाइट लगवाई थी अपनी बाइक पे, तो मैंने उसके 1500 रुपये लाइट लगाने के चार्जेस पे किए थे, और यहाँ पर वही चार्जेस जो हैं लाइट लगवाने के, दे चार्ज यू आई थिंक 300-400 रुपीस, तो बहुत डिफरेंस है यार सर्विस चार्जेस का। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नाउ बैक टू मेन वीडियो। बाकी आने वाले व्लॉग्स में मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं इस बाइक पे टूरिंग के लिए अपना कौन सा सेटअप यूज़ करने वाला हूँ। टॉप बॉक्स आपने देख ही लिया है, कौन सा टेल बैग है, कौन सा सैडल बैग है। अगर आपको इस बाइक पे टूरिंग करनी है तो आपको कौन सा मेरे अकॉर्डिंग जो है टूरिंग सेटअप यूज़ करना चाहिए, मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का 3 साल का टूरिंग का, वो मैं आपसे शेयर करूँगा और इन डेप्थ इन डिटेल बात करेंगे। तो ठीक है यार, आई होप मैंने जो इस बाइक के लिए टूरिंग के लिए एसेसरीज रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एसेसरीज रिक्वायर्ड है, वो मैंने आपसे डिटेल में शेयर कर ली है। स्टिल मैंने कोई क्वेश्चन जो आपके माइंड में रह गया हो, मैंने आंसर ना किया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, YouTube पे कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगा। मे बी रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाए बट करूँगा ज़रूर। और अभी अब लग गई हैं इस पे बाइक में टूरिंग के लिए एसेसरीज, तो अब ना अंदर से ऐसा हो रहा है कि बस अब निकल जाओ बढ़िया लंबी राइड के लिए। तो ठीक है यार, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर करना। बाकी चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।